अस्सलामु अलैकुम क्लास, टुडे वी हैव टू डिस्कस आवर नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। क्लासेस में देखें क्या क्वेश्चन हमें पूछा गया है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस, व्हाई? इलेक्ट्रिक फोर्स को नहीं, तो देखिए क्लास हमारे जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो क्या है, यूनि डायरेक्शनल है। अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो क्या होती हैं, रेडियली आउटवर्ड होती हैं, और जो हमारे नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या है, रेडियली इनवर्ड है। अगर हमारे पास क्लास कोई भी कर्व पाथ है तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक लाइन की डायरेक्शन को किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी पॉइंट उसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करते हैं वो वहाँ पे क्या शो करता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। अगर हमारे पास ये है कि किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन को डबल कर देते हैं, ये डायरेक्शन है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डायरेक्शन है वो क्या है, यूनि डायरेक्शनल है। इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, If a point charge is released in non-uniform electric field with the field lines pointing in the same direction, will it make rectilinear motion? कि हमारे पास अगर जो हमारे इलेक्ट्रिक है उसमें अगर हम किसी चार्ज को रखते हैं, क्या वो सीधे रास्ते में मूव करेगा? चार्ज क्लास हमारे पास वही बात है कि हमारे पास अगर पॉइंट चार्ज हो, फर्ज कर लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है, तो देखिए क्लास की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। अगर यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट हैं तो वो रेक्टिलिनियर मीन टू से सीधे या सीधी लाइन में मूव करेगा, या तो हम लेते हैं हमारा जो चार्ज है वो रेक्टिलिनियर में मूव करेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं टू अपोजिट चार्जेस की, फर्ज कर लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है और नेगेटिव क्यू चार्ज है, तो देखिए क्लास हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कर्व पाथ में होगी, मीन टू से स्ट्रेट पाथ ही होगी। तब हम यहाँ कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्मेटिक फील्ड हमारा जो चार्ज है वो स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं कर सकता। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा यूनिट चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो रेक्टिलिनियर पाथ में मूव करेगा जब हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्लास हमारा क्या है, इज ई नेसेसरली जीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बैलून? इफ बैलून इज स्फेरिकल, अज्यूम दैट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सर्फेस। क्या है, हमारे पास एक बैलून है स्फेरिकल फॉर्म में, अगर उसकी सर्फेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इन साइड द बैलून चार्ज हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो होगी क्लास, क्योंकि हमारे पास जो हमारा रबर बैलून है स्फेरिकल फॉर्म में है, इस फॉर्म में, और जो हमारे चार्जेस हैं उसके ऊपर क्या है, सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हैं। टू से इस स्फेरिकल फॉर्म के अंदर, इस बैलून के अंदर जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या है, टोटल ज़ीरो है। अब हमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्लास, क्योंकि हमारे पास चार्ज की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, तब हम कहते हैं हमारे फ्लक्स जीरो है, और हमें ये भी पता है आई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, तो हमारा जब हमारा इन साइड ज़ीरो होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी एरिया हमारा जीरो के नहीं होगा, एरिया कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन चार्ज ना होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। इसीलिए हम कह सकते हैं जो हमारी फाई ई की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो देखिए क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इज़ इट ट्रू दैट गॉज़ेस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग एनी क्लोज सर्फेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नेट पॉजिटिव इनक्लोज विद इन द सर्फेस? क्या है, हमारे पास अगर कोई भी सर्फेस है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज प्लेस है, उससे निकलने वाली जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, चार्ज के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब देखिए क्लास हमें पता है हमारे पास जो गॉज़ेस लॉ है वो क्या है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि हमारी जो सर्फेस है वहाँ पर कोई भी प्लस क्यू चार्ज प्लेस है, उससे निकलने वाली जो लाइन्स हैं वो उस चार्ज के ऊपर डिपेंड करती हैं कि नहीं, तो देखिए क्लास यहाँ पर हमारा जो वन ओवर एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ दी फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो देखिए क्लास यहाँ पे हमारे पास जो फाई ई है प्रोपोर्शनल है
क्योंकि मीन टू से जितना हमारा चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही हमारा जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा वहाँ पे ज़्यादा होगा, जितना हमारा चार्ज कम होगा वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा उतना ही कम होगा। तब हम कह सकते हैं यहाँ पे यस इट ट्रू दैट गॉसियस लॉ स्टेट दैट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग एन क्लोज सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नेट पॉजिटिव चार्ज जो कि उस सरफेस के अंदर मौजूद होता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्लास क्या है, डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और ऑफ द लो पोटेंशियल, कि हमारे पास अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, डू इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे या लो पोटेंशियल। तो देखें हमारे पास क्लास क्या है, फर्ज कर लेते हैं टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं। तो देखें क्लास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है। अगर इस फील्ड में हम अपना कोई भी चार्ज प्लेस करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्लेस करते हैं, नेगेटिव प्लेस करते हैं, नेगेटिव क्यों कर लेते हैं, तो देखेंगे क्लास हम इन दोनों चार्जेस और इस प्लेट की रिपल्शन की वजह से जो हमारा जो चार्ज है किस तरफ मूव करेगा, टुवर्ड्स दी पॉजिटिव। अब हमें पता है जो हमारी प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज है वो क्या है, हाई पोटेंशियल पर है, और जो हमारी नेगेटिव प्लेट है वो क्या है, लो पोटेंशियल पर है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा चार्ज है वो क्या करेगा, लो रीजन से हाई रीजन की तरफ, मीन्स उसे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो हम यहाँ कहेंगे येस इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल, क्योंकि लो पोटेंशियल से क्या करेगा, हाई पोटेंशियल की तरफ हमारा क्या करेगा इलेक्ट्रॉन या चार्ज है वो मूव करेगा। दैट्स इट, थैंक यू।